दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो व्हाट्सएप के बारे में है। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में जो सेटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत सीक्रेट सेटिंग है, तो आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखनी है। तो चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके साथ ही बेल आइकन है, आप लोगों ने उसको भी प्रेस करना है। उसका ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिलेगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को विज़िट करनी है तो इसके लिए आप लोगों ने जाना है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जाने के बाद आप लोगों ने ऊपर सर्च में सर्च करना है टेक्निकल जाना। ठीक है, इसको सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोगों ने ये सब्सक्राइब वाला बटन भी क्लिक करना है। ठीक है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और इसके साथ एक बेल आइकन आप लोगों ने इसे भी प्रेस करना है। इसके बाद आप लोगों ने इसको ऑल करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं, अगर आपको गरज की नंबर चाहिए तो आप गरज की व्हाट्सअप नंबर ईजिली आप बहुत सारे हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने मेरा चैनल को विज़िट करना है और आप लोगों को ये वीडियो देखना है। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब का कोई भी वीडियो अगर आप बैकग्राउंड पर चलाना चाहते हैं तो भी आप वो चला सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है। अगर आपकी वाईफाई का इंटरनेट स्पीड स्लो चल रही है तो आप ये तीसरी वाली वीडियो देख सकते हैं और आप अपनी मोडेम यानी वाईफाई का स्पीड तेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप चलते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि व्हाट्सएप में कौन सी सीक्रेट सेटिंग है। तो आपने जाना है व्हाट्सएप पर, इसके बाद आप लोगों ने अपनी दोस्त की प्रोफाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इसी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है जो राइट साइड पर नीचे कॉर्नर में है। ठीक है, सब इस पर क्लिक करें। तो इसके बाद अभी मैं आपको बताता चलो कि सेटिंग का क्या फ़ायदा है। दोस्तों, अगर आपके साथ आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार बैठा हुआ है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज करे तो उसका नोटिफिकेशन शो न हो, तो आपने उस तरह के नोटिफिकेशन को कैसे बंद करना है। दूसरी बात, अगर आपका कोई भी दोस्त आपको पिक्चर्स या कोई भी वीडियो सेंड करते हैं और आप चाहते हो को वीडियो और पिक्चर जो है ना गैलरी में शो ना हो, तो आपने उसको कैसे छुपा के रखनी है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने जाना है जैसे मैं अभी गया। तो इसके बाद आप लोगों ने ऊपर वाला म्यूट नोटिफिकेशन को ऑन करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो इसके बाद अगर आप एक हफ्ते के लिए इसको बंद करना चाहते तो आपने सेकंड वाला ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, अगर आप एक साल के लिए इसको बंद करना चाहते तो आपने तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आप लोगों ने इसको ओके करना है। ठीक है, ओके करने के बाद नोटिफिकेशन बंद हो गया। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग चाहते हो कि वीडियो शो न हो गैलरी में, तो इसके लिए आप लोगों ने तीसरी बार ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसका नाम है मीडिया विजिबिलिटी। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो इसके बाद आप लोगों ने ये नो वाला ऑप्शन भी क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो इसके बाद आप लोगों ने इसको ओके करना है। ठीक है, जैसे आप इसको ओके करें तो इसके बाद जो है ना, ये दोस्त अगर आपको कोई भी पिक्चर या वीडियो आपको सेंड करते हैं तो वो जो है ना गैलरी में बिल्कुल शो नहीं होगा। उसके लिए आप लोगों को आना होगा इसी व्हाट्सएप पे और इसकी प्रोफाइल पे आना होगा। तो इसके बाद आप जो है ना उसकी जो है ना पिक्चर्स और वीडियो आप देख सकते हैं गैलरी में, बिल्कुल शो नहीं होगा। तो ये थी आज की कुछ सेटिंग थी दो, तो इसको आप लोगों ने यूज़ करना है, आपने इसको इंजॉय करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो आप लोगों ने लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।